वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड, ये आपका करंट अफेयर का लेक्चर है और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय लघु दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, राष्ट्रीय लघु दिवस का आयोजन ये प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को किया जाता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग का आयोजन। अगला प्रश्न क्या है कि सुभंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है। तो ये फ्रेंड देखिए, मणिपुर का त्यौहार है। सुभंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है, तो ये मणिपुर का त्यौहार है। तो सुभंग लीला देखिए, मणि है, जो मणि पा जाएगा वो लीला करेगा, तो ये सुभंग लीला मणिपुर का त्यौहार है। अगला प्रश्न क्या है कि अगस्त 2022 में किसने मिस दीवा यूनिवर्सिटी दरबार का खिताब जीता है। तो फिर देखिए, किसने मिस दीवा यूनिवर्सिटी दरबार का खिताब जीता है, तो है दीविता रॉय। दीवा यूनिवर्सिटी का खिताब दीविता रॉय ने जीता है, ऐसे आपको याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज ज़्यादा विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन है, तो है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया है जेम्स एंडरसन। गौतम अडानी देखिए, ये तीसरे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, और दूसरे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो दूसरे रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस हैं और तीसरे गौतम अडानी बन गए हैं। अभिजीत सेन, ये देखिए इनका निधन हो गया, तो ये कौन थे, तो ये अर्थशास्त्री थे अभिजीत सेन। 22 से 28 अगस्त 2022 को आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसे पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये देखिए विक्टर एक्सेलसन ने यहाँ पर BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश को 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, तो ये नागालैंड को। देखिए नागालैंड को 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन भी मिला है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल में जो है दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु। अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का कोषाध्यक्ष चुना गया, तो अनुराग शर्मा को। फिर देखिए यहाँ पर, किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का कोषाध्यक्ष चुना गया, तो अनुराग शर्मा को CPA का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न क्या है कि नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, नुआखाई, रज पर्व, धान यात्रा, ये तीनों जो है उड़ीसा के ही पर्व हैं। नुआखाई, रज पर्व, धान यात्रा, ये उड़ीसा के ही पर्व हैं। 67वें फिल्म मेकर अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, तो 2022 में देखिए शेरशाह को यहाँ पर 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, शेरशाह को दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमलान बोरगोहन कौन है, तो अमलान बोरगोहन एक धावक है, अमलान बोरगोहन। अगला प्रश्न क्या है कि चर्चा में रहा परख क्या है, तो परख ये छात्रों के आकलन हेतु नियामक प्रणाली है, इसे परख नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संस्था परिषद ने इंडिया एट द रेट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है, तो किस संस्था परिषद ने इंडिया एट द रेट के लिए रोड मैप जारी किया है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये जारी किया है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है, तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये 75 वर्ष पूरे होने पर रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश की रानी मैक्सिमा के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, तो किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है, तो किस देश की रानी थी वो मैक्सिमा, ये नीदरलैंड की रानी जो मैक्सिमा है उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। अगला प्रश्न क्या है कि मिखाइल गोर्बचेव का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे, तो देखिए रसिया के थे वो मिखाइल गोर्बचेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला देखिए फिर हम कुछ कंट्री और उनके जो है कैपिटल्स देख लेते हैं, तो कंट्री का नाम क्या है, फिलीपींस जो कंट्री है उसका कैपिटल है मनीला, फिलीपींस का कैपिटल क्या है, मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कजाकिस्तान की राजधानी टेंगे है, टेंगे जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है।
उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखिए अपने यहाँ पर उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है, ताशकंद है। यहाँ पर ताशकंद आप लोग नाम याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान का कैपिटल। कुवैत, कुवैत का कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी है। करेंसी क्या है, दिनार है। कुवैत की जो करेंसी है वो इस कुवैत की करेंसी साथ सबसे अधिक है पूरे विश्व में। एक रुपया यहाँ का कुवैत का, वहाँ का एक दिनार जो है ये भारतीय 256 रुपये के लगभग बराबर है। आप याद, आप सोचिए कि एक डॉलर भारत के 80 रुपये हो गया इस समय, लेकिन जो कुवैती दिनार जो है, दिनार जो है एक दिनार भारत के लिए 256 रुपये बराबर है। और यहाँ के पीएम कौन है, शेख साहिल खान खरीद जो है यहाँ के पीएम है। कुवैत की सिटी क्या है, कुवैत कैपिटल कुवैत सिटी है। इसराइल की पीएम, इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम। इसराइल का कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी है साकिल, इसराइल की करेंसी है साकिल। पीएम है यार लैपिड, यार तो मेरा लैपिड है, ये इसराइल की पीएम है। सीरिया, सीरिया नाम तो सुना होगा, सीरिया एक देश है जिसका कैपिटल है दामस्कस। सीरिया की कैपिटल दामस्कस है। करेंसी है सीरिया पाउंड। ये तो आप लोग सीरिया, सीरिया आप लोग ऑप्शन में चूज़ कर लेंगे। वियतनाम आपने सुना होगा नाम, वियतनाम का कैपिटल हनोई है। ये एशियन कंट्री है और इसकी करेंसी जो है वो है डोंग। डोंग जो है इसकी करेंसी है वियतनाम की। अगला प्रश्न क्या है कि तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगबाद। अशगबाद, अशगबाद जो है ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। करेंसी क्या है, मन्नत। मन्नत जो है ये आपकी करेंसी है, तुर्कमेनिस्तान की मन्नत जो है ये करेंसी है। और भी देखिए अभी है, ईरान, ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान। करेंसी है तोमान। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इजी है कि ईरान का कैपिटल जो है वो है तेहरान और इसकी करेंसी है तोमान। जापान का कैपिटल क्या है, अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ है जापान में, टोक्यो है। करेंसी इसका है जापान येन। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।